अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सुहेल अब्बास। मैं हूं अली। कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक ठाक हैं, बिल्कुल खैर खैरियत से हैं। अभी थोड़ी देर पहले एक नोटिफिकेशन हमें रिसीव हुआ, रुद्रा फिल्म आपको पता है कि काफ़ी देर से पेंडिंग थी और उसका ट्रेलर अभी थोड़ी देर पहले रिलीज हो चुका है। डिज्नी प्लस हॉटस्टार जो चैनल है, इस चैनल से इस ट्रेलर को रिलीज़ किया गया है। सर, रुद्रा क्या लफ्ज़ आपके माइंड में आता है, मतलब क्या मतलब? रुद्रा वो एक करेक्टर है जो पता है कार्टून्स में भी है, डिज्नी का ही है, ये भी डिज्नी में मेरे ख्याल में कुछ बच्चों वाले बनाई है। अच्छा, मुझे कुछ लग रहा है कि सस्पेंस इस तरह का कि थ्रिलर टाइप की चीज़ होती है ना। अच्छा, लेकिन बच्चों के लिए मेरे ख्याल में, क्योंकि डिज्नी चैनल ने नहीं, मुझे कोई ना हॉटस्टार स्पेशल टाइप की ना कोई स्टोरी लग रही है रुद्रा। बहरहाल ये हमारी एक एक्सपेक्टेशन है इस तरह की। वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट हमेशा आपसे करते हैं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन फॉर फ्यूचर अपडेट्स। अभी देखते हैं सर ये ट्रेलर, अजय सर का ट्रेलर है तो कमाल ही होगा। मैंने सुना डबल मर्डर से कमबैक किया। ट्रिपल मर्डर, एक कुत्ता भी था। तो आप सिर्फ उन्हीं को पकड़ते हैं जो फिसल जाते हैं, जो ना फिसले हो। उनका मैं अंधेरों में इंतजार करता हूँ। खेल शुरू हो गया है क्योंकि अब तुम लोगों का बाप इन्वॉल्व हुआ है, रुद्रा। रिलेशनशिप्स में ब्रेक जैसा कुछ नहीं होता है, पता है ना, जुमला है ये। पूरा सिस्टम ही जुमलों पे चल रहा है बॉस। मेरी शादी की चीज है। Are you sleeping with him? करना पड़ता है बॉस। कई बार कपल्स जो साथ नहीं सोते उनकी मैरिज बेहतर होती है। पर्सनल एक्सपीरियंस या कोई ऐप? सुना है सर। मतलब शादी नहीं है। तो ठीक तो है। Star Specials presents Rudra, The Edge of Darkness. Okay, The Edge of Darkness, a motto है रुद्रा का। अच्छा यार, मजे की बात यह है कि अजय सर को हम देख रहे हैं फूल और कांटे से। हाँ, टिल नाउ अभी तक जनाब मतलब बिल्कुल फिट और जवान है, और कभी भी अजय सर ऐसी फिल्म जो है वो साइन नहीं करते कि उनके जो फैंस के उम्मीदों के दिए होते हैं वो कभी नहीं उन्होंने पूछने दिए। ऐसी बात, देखें यार मतलब ये फिल्म देखें, इसकी स्टोरी क्या करें, एक्शन है, फुल एक्शन है, सस्पेंस कितना है, मतलब अजय सर ऐसे करेक्टर हैं कि मतलब कॉमेडी करने पे आए तो इनका कॉमेडी में कोई आसानी नहीं है, जब वो सीरियस हो जाए तो उसमें कोई हंसा नहीं सकता। देखें किस तरह सीरियस और फुल एक्शन मूवी है, मतलब किस तरह अच्छी स्टोरी सारी। ये फिल्म बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है। जब ये ट्रेलर आया था, आने वाला था, तो इसकी इतनी मतलब कह लें कि दुहाई थी पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में, कि रुद्रा का ट्रेलर कब रिलीज हो जाए। बहुत ज़्यादा फैंस को एक्सप्रेशन थी, मतलब अच्छी एक्सप्रेशन थी कि अजय सर अच्छी हो फिल्म करें, तो ये ट्रेलर आज आ गया। कमाल यार, बड़ा मज़ा आया, बहुत मज़ा आया, बहुत ब्लॉकबस्टर ट्रेलर, बड़ा शॉर्ट सा उन्होंने रिलीज़ किया, तकरीबन अढ़ाई मिनट का ट्रेलर था। ऐसे वेब सीरीज टाइप लग रहा था। हाँ, वेब सीरीज डिज्नी स्टार। हाँ, ये चैनल पे इस तरह की जो है वो जब अपलोड होती है वीडियो, तो इसी तरह की तकरीबन ये लेकिन है फुल सस्पेंस है, फुल सस्पेंस। इतने ज़्यादा करेक्टर है ईशा देओल जो है,
वो बड़ी देर बाद आई है काफी। और दूसरा जो सेट पे आते थे हीरो के थोड़े से क्या माइंड सेट पिछू फिल्म के मतलब वो उसने की हुई है वो भी टोटली करेक्टर्स जो डाले हैं वो बेहतरीन करेक्टर्स हैं बेहतरीन क्योंकि पता चल रहा है कि फुल एक्शन होगा इसका फुल सस्पेंस होगा और अजय सर तो फिर कमाल कमाल ब्लॉकबस्टर बन गए हैं। और हाँ मैं ये समझता हूँ यार कि अजय देवगन सर को साल में 4-5 फिल्में करनी चाहिए और मार के 2 फिल्में करते हैं शायद के पास टाइम ही इतना है इतने बड़े सुपरस्टार हैं इनको चाहिए कि 4-5 फिल्में करें साल में इसके बारक्स अक्षय सर की तकरीबन 5-6 फिल्में आ जाती हैं साल में वो तो फिर लेजेंड है लेजेंड ये भी है लेकिन फिर वो होता है ना फिर फिल्म जो हर हीरो का एक अपना स्टाइल है अपना मकाम है उनका तो उस हिसाब से वो मूवीज़ भी बनाते हैं अजय सर को मेरे ख्याल में मूवीज़ मिलती होंगी बहुत ज़्यादा तो वो साइन वो काम करते होंगे अपनी चॉइस करते होंगे जिसकी कहानी ज़बरदस्त हो और जिस तरह के मेरे फॉलोअर्स हैं मेरे फैंस हैं ये उसी तरह की फिल्म साइन करते हैं जिस तरह का इनको मतलब सूट कर रहा होता है अब नहीं यानी कि मैं ये फिल्म कैसी करूँगा मैं इसे कैसे देखता हूँ उस तरह की फिल्म साइन करते हैं तो यार कसम से बल्ला मज़ा आ गया सुपर फिल्म है। ईशा देओल यार बहुत कम मूवीज में आई है वो जितनी उनकी फैन फॉलोइंग है ना और मतलब उन्हें तो जबरदस्त है लेकिन पता है काम क्यों कम करती हैं वो काम ज़्यादा करना चाहिए लेकिन अब उनकी धूम मूवी कितनी बहुत बॉस्टर है बिल्कुल अभी तक मैं तो मेरा जब भी दिल करता मैं देखता हूँ धूम हाँ और उसके बाद बहुत कम मूवीज में बहुत कम मूवीज में आई है ना मेरे ख्याल में वो लेकिन जब उन्होंने काम की स्टार्ट किया तो मतलब बहुत ज़बरदस्त उन्होंने काम किया अब काफ़ी मतलब 5-7 साल के बाद तकरीबन वो हाँ तकरीबन इतनी देर इतना इतनी देर हो गई है और अजय के साथ आई है मामला में कि कॉमेडी भी मूवीज की हुई है हाँ कॉमेडीज में गोलमाल वगैरह उसमें चाहिए पर चलें देखते हैं बड़ी अच्छी उम्मीदें वस्ता है हमें इस रुद्रा फिल्म से इसका ओरिजिनल लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मज़ीद यार अच्छी अच्छी वीडियोस हमें लाजमी आपको जो है वो सजेस्ट किया करें इंशाल्लाह आपकी उम्मीद पर हम पूरा उतरेंगे हम अपना 100% देते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे एक नए और फ्रेश रेस्टिंग साथ तब तक के लिए